My lovely buddies, a very warm welcome to you all on this amazing platform of DoubtNut. I am your English educator, puja Sharma, and today we

पहले ना हर टाइटल के बारे में समझने की कोशिश करो देन टॉक अबाउट द पोएट एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटन इन द पोम सो व्हेन वी टॉक अबाउट द नेम ऑफ द द नेम ऑफ द पोएम इज द लेब्रनम टॉप लेब्रनम का टॉप टॉप मींस यू नो वेरी वेल दैट इज द हाईएस्ट पीक वी आर टॉकिंग अबाउट सबसे ऊंची चोटी के लिए बात किया जाता है और लेब्रनम का मतलब होता है देयर इज इज अ दिस द नेम ऑफ अ ट्री ये किसका नाम है ये एक ट्री का नाम है सो वेन वी टॉक अबाउट दिस ट्री जिसे हिंदी में हम अमलतास का पेड़ कहते हैं ओके सो दिस इज समवेयर अबाउट अ ट्री एंड वट वी सी ऑन अ ट्री वी सी सो मेनी बर्ड्स कमिंग देयर एंड हैव यू एवर कि जब बर्ड्स आती हैं चहचहाती हैं ट्रीज पर बैठती हैं एंड दे डू देर एक्टिविटीज जब वो अपने हिसाब से वहां पे करती हैं तो कितना प्यारा पेड़ भी लगता है और पेड़ भी उसकी उसी की जो राइम है उसी की जो रिदम है उसी की जो साउंड

दे मूव्स तो वो चले जाते हैं तो क्या होता है एकदम चेंज ऑफ द वर्ल्ड होता है वैसी ही चीज है यहाँ पे बताई गई द लेब्रनम टॉप के अंदर अब हम बात करते हैं हमारे पोएट के बारे में वी टॉक अबाउट द पोएट इनका नाम है वैसे तो आप इनका नेम अगर देखते हैं पेन नेम जो बोलते हैं जनरली वो है टेड यूगस इनका पेन नेम तो है टेड यूगस वैसे इनको जाना जाता है एडवर्ड जेम्स यूगस के नाम से भी अच्छा ये क्या थे ये इंग्लिश पोएट थे एंड साथ ही साथ में ट्रांसलेटर ट्रांसलेटर वट इज द वर्क ऑफ द ट्रांसलेटर ट्रांसलेटर क्या करते हैं किसी और भाषा में लिखी हुई पोम्स को ट्रांसलेट किया या कोई वर्क है नॉवल है बुक्स हैं उनको ट्रांसलेट करते थे तो ही वॉज वेरी गुड इन दैट एज वेल और साथ ही साथ में चिल्ड्रंस राइटर थे तो बेसिकली ये जाने ही इसलिए जाते थे क्योंकि जो इनके राइटिंग है वो ज़्यादातर किसके लिए होती थी बच्चों के लिए होती थी और क्रिटिक गुर्णिक, जो क्रिटिक्स होती है दैट मीन्स अगर जब आपने सुना होगा इसी uh, फील्ड के जो बहुत ही उमदा लोग होते हैं वो क्रिटिक बन जाते हैं और उन्होंने इन्हें नवाजा था द बेस्ट पोएट ऑफ इस जनरेशन के नाम से एंड वन ऑफ़ द ट्वेंटी सेंचुरी सेंचुरीज ट्वेंटी सेंचुरी की अगर हम बात करें दिस इज़ द लाइन विच यू शुड राइट इन योर आंसर कि ट्वेंटी सेंचुरी की ग्रेटेस्ट राइटर्स में से कौन आते हैं टेड ह्यूगस की बात करें और इन्हीं का नाम क्या है इन्हीं का नाम है एडवर्ड जेम्स ह्यूगस ओके ही वॉज अपॉइंटेड एज पोएट लॉरियट इन नाइनटीन दैट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट सो थ्री पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर पहला इनका नाम दूसरा

बेसिक द कलर अगर कहीं पे क्वेश्चन भी आ जाए व्हाट इज द कलर यूज्ड इन दिस पोम येलो याद रखना है आपको येलो इज द कलर व्हिच इज यूज्ड मोर इन दिस पोम ओके अब अगर हम बात करते दिस दिस इज द ट्री और ये क्या है ये है ट्री और इस ट्री का क्या नाम है इस ट्री को ही हमने क्या कहा है ट्री कहा गया है ओके okay. अच्छा यही लेब्रेनम ट्री है अच्छा अब आपने कभी इस ट्री के बारे में सुना हो तो ज्यादातर देखा जाता है एंड सुना भी गया है इंडिकेशन ऑफ अ पॉइजन है ना पॉइजनस है ये पॉइजन so, से रिलेटेड इसको इंडिकेट किया गया है वेयर एज वी टॉक अबाउट जो बर्ड चॉप करते करते यहाँ पे आती है और यहाँ पे वो अपना एक नेस्ट बनाती है वाई द बर्ड ट्राई टू मेक अ ने

क्या वर्ड का मीनिंग है सब बताऊंगी साथ ही साथ में एमसीक्यूज करवाऊंगी एंड क्वेश्चन आंसर्स सो यू नो द पैटर्न कैसे मैं पढ़ाती हूँ लेकिन अभी आपको यह भी पता है दैट आपको क्या करना है यू हैव टू शेयर दिस सेशन लाइक तो जरूर से बनता ही बनता है एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप जरूर से कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इन अपकमिंग क्लासेस आई वुड डेफिनेटली ट्राई टू आंसर योर ओके क्वेश्चन तो आपको अभी शेयर करना है फटाफट से इफ़ यू लाइक दैट चलो आगे बढ़ते हैं आई एम गोइंग टू रीड दिस पार्ट वन बाय वन हम पढ़ेंगे इस बारे में तो मैंने आपको बता

उसकी जो सारी सीड्स है वो गिर चुके हैं नाउ इट डिपिक्स वॉट इट डिपिक्टर डेडनेस है ना एक जो डेड हो जाता है लाइफ में आपकी लाइफ से सारा इंटरेस्ट चला गया यू डोट है लाइफ आप ना देखो डिफेक्ट uh, करने की कोशिश करो कि हम ना मोनोटोनो um, um, से सारे काम करते जा रहे हैं जस्ट वी आर बिजी वी आर बिजी बट वी डोंट नो दैट हम लोग कुछ प्रोडक्टिव या क्रिएटिव कर रहे हैं हम बस बिजी है हम दिख रहे हैं कि हम जिंदा हैं हम स्कूल जा रहे हैं हम पढ़ाई कर रहे हैं हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं वो सारी चीजें दिख रही है लेकिन क्या हम हैप्पी है वो वाला क्वेश्चन यहाँ पे तो सिमिलरली वी कैन सी ऑल दीज थिंग्स ऊपर से सारी चीजें दिखाई दे रही है बट इट गिवस द फीलिंग की ये डेड है hannah it is dead somewhere now till the gold flinch comes Now, what is gold flinch gold flinch is the name of a bird and that the gold flinch, uh, flinch comes uh, when a twitching chirrup a suddenness a startlement at a branch end then sleek as a lizard and alert and abrupt she enters the thickness and a machine starts up सिंपल सी बात बताती हूँ अगर आपको वर्ड की मीनिंग भी नहीं बताए लेकिन समवेयर यू गेट द सेंस की क्या बताना चाह रहा है टिल द गोल्ड फिंच कम्स जब तक ये सारी चीज थी डेड थी यानी कि ये जो मूवमेंट है वो नहीं हो रहे थे एवरी थिंग वॉज येलो और जो सीड्स है वो भी फॉलो हो चुकी थी तब तक जब तक कि ये गोल्ड नहीं आई अब ये गोल्ड के आने से क्या चेंजेस आए हैं ओके सो द फर्स्ट आंसर डिपिक्ट एनीथिंग एल्स एंड द सेकंड आंसर डिपिक्ट चेंजेस तो जब आई वो विद अ ट्विचिंग चिरप चिरप फर्स्ट चिरप इज अ साउंड मेड बाय बर्ड्स तो चिरप क्या है एक तरीके का साउंड है एक तरीके का साउंड है जो किससे कौन प्रोड्यूस करता है साउंड प्रोड्यूस्ड बाय

एंड वट देन स्लीक एज अ अजर्ट वो किस तरीके से जैसे जो ना वो कैसे स्लीकली स्विफ्टली एकदम मूवमेंट के साथ में क्या करती है इधर से उधर चली जाती है उसी तरीके से ये बर्ड भी क्या कर रही है स्लीक कर रही है एज अ लिजर्ट अब देखो एज अ अजर्ड आया है आपको पता होगा डेफिनेटली जब किसी भी चीज को जब किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी नाउन को हम बात कर रहे हैं हम उसको क्या करते हैं हम उसको लाइक like या एज के साथ कंपेयर करते हैं तो वहां पर कौन सा पोएटिक डिवाइस आता है वहां पर सिमिली का यूज किया गया है सो so, यहां पे भी एज

वहां पे हलचल हो चुकी है किस चीज की हलचल हो चुकी है हलचल हो चुकी है यहां पे बर्ड के आने से ओके सो ट्विचिंग मीन होता है एक जर्क मूवमेंट की जरूरत नहीं है का मतलब होता है सडन शॉक के लिए यूज किया जाता है फॉर सडन शॉक स्टैटलमेंट मीन सडनली जो कोई चीज स्टार्ट होती है शॉक के साथ में तो धक्के के साथ में कोई चीज का स्टार्ट होना उसको कहा गया है

It is the engine of her family. It is the engine of the, her family. She stalks is at full, then uh, flirts out to a branch end, showing her barred face identity mask. What is कि वहां पे वो क्या बनाने वाली है एक नेस्ट क्रिएट करने वाली है और नेस्ट क्यों क्योंकि वहां पे वो अपनी फैमिली क्रिएट करेगी और जब वहां पे फैमिली प्रोड्यूस uh, करेंगी वो वहां पे तो उसके लिए उसे बाकी सारी चीजों का uh, मतलब बोल सकते हैं कि ध्यान रखना होगा डेफिनेटली उसे सारी चीजों का टेक केयर करना होगा तो अब वो क्या करिए आ रही जा रही है तो ये जो आने जाने के मूवमेंट के साथ में ट्री के अंदर मूवमेंट हो रहा है उसको बताया गया सो द होल ट्री ट्रेम्पल्स एंड थ्रिल्स एंड इट इज द इंजन ऑफ अर फैमिली शी स्टॉक्स इट्स फुल देन फ्लर्ट्स आउट टू अ Then she flirts out to a

शी किसके लिए बर्ड के लिए, लिए यूज़ किया गया तो बर्ड जो है इस रिलेशनशिप को फ्यूल दे रही है और फुल कर दिया है उसने फ्यूल दे करके मतलब हम लोग क्या करते हैं हम टैंकी फुल कराते हैं कि नहीं कराते गाड़ी की तो उसी तरीके से यहाँ पे भी वो फुल कर दिया देन फ्लर्ट्स आउट टू अ ब्रांच एंड और फिर साथ ही साथ में वो क्या हो जाती है शी मूव टू द अदर ब्रांच एंड और ब्रांच के दूसरे तरफ जा चली जाती है एंड हर डार्क कलर स्ट्रिप्ट फेस इज विजिबल एज हर बॉडी इज येलो कलर्ड एंड इट हाइड्स बिहाइंड द येलो लीव्स ऑफ अ ट्री सो शोइंग हर बैनड फेस आइडेंटिटी मास्क अब उसका दूसरे ब्रांच पे जाने पे क्या हो रहा है उसके ऊपर जो uh, uh, कह सकते हैं स्पॉट्स टाइप स्ट्राइप्स लगी हुई है उस स्ट्राइप्स के थ्रू वी कैन आइडेंटिफाई हर कि ये तो वही बर्ड है जो यहाँ से वहां उड़ के गई है देन विद एवरी चिड़प विस्टी लॉन्चर्स अवे टूवर्ड्स द इनफाइनाइट एंड द लेब्रनम सब्सिडाइज टू एम टी क्या बताया है देखो रे की बात करें तो इट इज इट मीन वियर्ड एंड्रेंज फीलिंग इट इज जो है वो काम हो चुका है और वो उड़ के चली गई है दूसरे ब्रांच की तरफ चली गई है अब जो ट्री है द लेब्रेन इज सब्सिडाइज टू एम टी अब वो वापस से खाली हो चुका है दैट मीन द ट्री विच वॉज ऑल्सो लिविंग हिज लाइफ फुल्ली एंजॉइंग एवरी थिंग वो ट्री भी अब क्या हो गया एम टी हो गया बिकॉज द बर्ड

उसके लिए यूज किया जाता है एंड दैट वर्ड मीनस डिमिनिश मतलब खत्म होना किसी चीज का है ना तो यहां पे आपके लिए आंसर आ चुका है सो हियर इट इज अबाउट ऑल द थिंग्स वी हैव अबाउट देखो आपको अपनी लाइफ से रिलेट करना है आप कर सकते हैं डेफिनेटली बट यू हैव टू टॉक अबाउट इज डायरेक्टली गिवन इन दिस पोम जब हम थीम की बात करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन थीम से आ सकता है राइमिंग स्कीम क्या है पूछी जा सकती है या फिर पोइटिक डिवाइस क्या है वो भी पूछे जा सकते हैं सो एवरीथिंग इज हर इफ यू वॉन्ट टू टेक अ स्क्रीन शॉट यू कैन टेक अ स्क्रीन शॉट आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है थीम अगर हम बात करें तो दिस इज अ म्यूचुअल रेसिप्रोकेटिंग रिलेशनशिप देर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन होम लेबरन ट्री की बात करें और गोल्ड फिंच बर्ड की बात करें एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है और वो रेसिप्रोकेट करता है क्योंकि बर्ड को अपना एक जगह मिल गया है शेल्टर मिल गया है वहां पर रहने के लिए और साथ ही साथ में अगर हम ट्री की बात करें तो ट्री फाइंड आउट अ प्लेस अ थिंग टू बी हैप्पी फॉर जिसकी वजह से उसके जो ट्री में हलचल मच रही है एंड इट इज फीलिंग लाइक अ लिविंग थिंग अगेन वो सारी चीज़ें

प्रैक्टिस प्रैक्टिस कीजिए आप, practice आप के आंसर देने का ट्राई है, है तो आई विल तो इससे जरूर से हो जाएगी एंड मोर ओवर आप इसको शेयर भी करें अपने बिकॉज वन शॉट इज गोइंग टू बी वेरी मच हेल्पफुल वेन इट कम्स टू योर एग्जाम आप एग्जाम से पहले पढ़ते तो बहुत मजा आता है

एक नेस्टिस दी करेक्ट वन सो हम यहाँ पे बता सकते हैं व्हाट इज द डिस्क्राइबड व्हाट इज डिस्क्राइबड एज इंजन इन द पोम इंजन किसके लिए यूज किया गया है के लिए मशीन के लिए लेबरनम ट्री के लिए यस इट इज यूज्ड फॉर लेबरनम ट्री ओके लेबरनम ट्री के लिए इंजन यूज किया गया और फ्यूल कौन भरता है उसके अंदर जो बर्ड है वो फ्यूल भरती है उसमें Now, uh, what instance of alliteration has been used in the poem, the Leperanum Top? अब मैंने यहाँ पे सिर्फ तुम्हें समझाया ही नहीं है about कि कौन-कौन से poetic devices use हुए हैं। हमें यहाँ पे बताऊँगी भी आपको कि कौन सा alliteration का part है। देखो, uh, engine of our family क्या ये है use किया हुआ? Her beard face sleek as a lizard या September sunlight क्या है alliteration? यानी yani, repetition हो रहा है उस चीज़ का। तो यहाँ पे September sunlight is the correct answer for alliteration. Moving ahead, why is the image of

फैमिली अच्छा सॉरी सॉरी यहां पे जो है लेबर ट्री के लिए यूज नहीं किया इंजन इज यूज फॉर नन ऑफ द अबाउ तो हम यहां पे नन ऑफ द अबाउ करेंगे बिकॉज किसके लिए यूज किया गया है इट इज इट इज यूज फॉर बर्ड इट इज यूज फॉर बर्ड

क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है अभी से आपको ये पता चलेगा ना ये क्वेश्चन करते हो आप ना सोचते हो सिर्फ हमने uh, समझ लिया या सिर्फ समरी समझ ली हम कर लेंगे समरी समझने से आंसर नहीं होता है यू हैव टू नो दैट हाउ टू आंसर इट तो यहाँ पे देखो फ्रेज क्या है हर बैड फेस आइडेंटिटी मास्क इसका मतलब क्या है दैट द बर्ड फेस बिकम हर आइडेंटिटी एंड सिंबल ऑफ रिकोगेशन आपको अगर कोई देखेगा तो आपकी, आपकी हाइट के तौर पर आपके चेहरे फीचर्स के आंखों के आपके बोलने चलने से ही, इन सब से ही आइडेंटिफाई करते हैं सिमिलरली बर्ड को भी कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आइडेंटिफाई करेंगे उसे किस तरीके से उसका चेहरा उसका जो फेस है उसको ध्यान में रखते हुए और वही उसका सिंबल हो जाता है क्या रिकॉग्नाइज करने का कि अरे उसको याद किया किसे याद किया जो वो जो चीज़ होती है क्यारे उसे याद किया जो बहुत लंबा था ना वो तुम्हारा फ्रेंड कहां है सो दिस इज द सिंबल ऑफ रिकोगेशन विच इज ऑल्सो यूज हर फॉर बर्ड ओके सो यहाँ पे हमने क्या की है पोम कंप्लीट कर ली है आई होप ये पोम आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी दिस इज इंपॉर्टेंट आपको ये चीज याद रखनी है कि जो चीजें आपको uh, दी जा रही है यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है इन वन शॉट तो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको एक जस्ट मिल जा रहा है सब चीजों का एंड विद द क्वेश्चन आंसर सो आई होप टू सी यू सून इन द Next class, definitely. If you have any questions, you can comment it and ask me, and uh, uh, do share it. Bye bye, thank you.